मॉर्निंग फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल वर्कशॉप है जो कि मतलब गाड़ियाँ वॉश करते हैं, तो हर उस वॉशिंग सेंटर को इस मशीन की रिक्वायरमेंट है, जिसको यूज़ करने के बाद जो ये अपोस्ट्री क्लीनिंग या जो ड्राई क्लीनिंग सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को, इससे वो अपनी डेली की इनकम बढ़ा सकते हैं सर। एक गाड़ी पर डे ड्राई क्लीनिंग करने के बाद, बात करो इस मशीन के बारे में, तो ये एक ड्राई क्लीनिंग मशीन है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ तो इस मशीन को या तो स्प्रे एक्सट्रैक्शन अपोस्ट्री क्लीनिंग या ड्राई क्लीनिंग मशीन बोलते हैं। ये मशीन के दो मॉडल्स आते हैं, एक एस्ट्रो 125 और एक एस्ट्रो 250। तो जो सिंगल मोटर मशीन है वो आप पर डे उस मशीन से 3 से 4 गाड़ियाँ बड़े आराम से ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। प्लस ये जो आपके सामने मशीन अवेलेबल है, ये हमारी डबल मोटर स्प्रे एक्सट्रैक्शन मशीन है। इसका मॉडल नंबर एस्ट्रो 250 है। इस मशीन में देखेंगे तो आपको डबल मोटर वैक्यूम मिल जाता है, प्लस आपको एक ड्राई क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे आपको इसमें पंप मिल जाती है मशीन से, जिससे हम डिटर्जेंट स्प्रे करेंगे और बाद में डबल मोटर की हेल्प से इसको सक्शन कर लेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो सबसे अच्छी बात इस मशीन की अगर मैं बात करूँ डबल मोटर की, तो आपको यहाँ पे 2 मोटर का ऑप्शन मिल जाता है जिसको हम इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा सक्शन पावर की ज़रूरत है तो मैं दोनों मोटर एक साथ ऑपरेट कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे एक मोटर ऑन करके ही मेरा काम चल रहा है इजीली, तो मुझे दोनों मोटर एक साथ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1x1 मोटर को ऑन करके मशीन को यूटिलाइज कर सकता हूँ, ताकि मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड रहे और मशीन की एक लंबी लाइफ रहे, है ना। तो इस मशीन की मैं बात करें तो इसमें आपको 77 लीटर सक्शन टाइम दे रखा है, जो कि लार्जेस्ट इंडस्ट्री के अंदर। तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा नहीं कि बार बार आपको टैंक खाली करना पड़ रहा है हर एक गाड़ी करने के बाद। तो ये टैंक आप देखेंगे, इसके साथ में हम लोग दे रहे हैं आपको 16 लीटर का इसका डिटर्जेंट टैंक है। तो एक बार आपने फिल करने के बाद आप बड़े आराम से 7 से 8 गाड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं नॉन स्टॉप, ठीक है। उसके बाद ये 77 लीटर का सक्शन टैंक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको बार बार खाली करने की ज़रूरत नहीं है। और मशीन की सबसे अच्छी बात अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल टू यूज़ मशीन है, बहुत आसानी से कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो जाती है। इवन जो लेमन मैन पावर है हमारे पास, वो भी इस मशीन को बड़ी ईजिली ऑपरेट कर सकती है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये कुछ इतने कपलर्स हैं जिनको मैं हटा के मैं बिल्कुल मशीन को आसानी से क्लीन कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने मशीन को क्लीन करना। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा वैक्यूम का जो पोर्शन है बिल्कुल सेपरेट हो जाता है मशीन से, और मैं टैंक को बहुत आसानी से क्लीन कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मैं मशीन को बड़े आसानी से मूव करा सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, है ना, और मशीन को बड़े आसानी से क्लीन कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जनरली अगर मैं ऐसे करूँगा, लिफ्ट करके टैंक खाली करूँगा, तो उसमें से डिटर्जेंट गिरने के चांसेस हैं। तो इस मशीन में सबसे अच्छी बात है कि आप इस टैंक को लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, और इसको बड़ी आसानी से ड्रेन टू ड्रेन आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ये। तो मशीन ऑफ करना बहुत आसान है, मशीन वर्जिन पॉलीप्रोपिलीन की बनी है, जिससे मशीन को हाईली स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। देखिए, ये तो मैंने डिस्कनेक्ट किया इसको, उसी इतनी आसानी के साथ हम इसको दोबारा से रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए, सिंपल टू यूज मशीन है, सिंपली मुझे 2 लॉक खोलने हैं जिससे मेरी मशीन ओपन हो जाती है, 2 लॉक लगाने हैं जिससे मेरी मशीन दोबारा से कनेक्ट हो जाती है। होस कनेक्ट करना बहुत आसान है, आप सिंपली हो ये आपके कोई कनेक्ट कपलर्स हैं जो भी मशीन इजिली कनेक्ट करने की मदद करते हैं। सिंपली ये मैंने डिटर्जेंट टैंक ये कनेक्ट किया और मेरी मशीन स्टार्ट हो गई यूज़ करने के लिए। तो बहुत सिंपल टू यूज़ मशीन है, मशीन को चाहे क्लीन करने की बात हो, या मशीन के फिल्टर साफ़ करना हो, या मशीन को कनेक्ट डिसकनेक्ट करना हो, तो ये बहुत ईजिली ऑपरेटेबल मशीन है, ठीक है। मशीन के साथ आप देखेंगे तो ये जो होज आपको 2.5 मीटर की होज आती है विद आपका आर्म चेयर टूल, जिससे हम गाड़ी को ईजिली ड्राई क्लीन कर सकते हैं, है ना। और आप देखेंगे होज की लेंथ जो कि आपकी 2.5 मीटर की आती है, इससे पूरी गाड़ी को 360 डिग्री हम क्लीन कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। अब जैसे कि आपने हमारे बाकी के वीडियोस भी देखे होंगे हाई प्रेशर को लेके, स्टीम मशीन को लेके, है ना, तो इसी तरीके से ये हम जो भी आपसे बात करते हैं वो सारी वर्बली बात ना करके हम आपको उसको डेमो भी साथ में प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, जिसमें हम आपको रिजल्ट ओरिएंटेड डेमोज देते हैं, जिसमें आपको रिजल्ट क्लियरली विजिबल रहते हैं। तो आज मैं एक इस मशीन का भी आपको लाइव डेमो दूंगा, है ना, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर अगर आप इंटीरियर में इसकी सीट्स देखेंगे, रूफ देखेंगे, तो उसके ऊपर हैवी स्ट्रेन्स हैं,
तो हम उस मशीन से उन स्ट्रेंस को निकालेंगे और आपको प्रैक्टिकली क्लीन करके दिखाएंगे चीज़ों को। तो उस दौरान ये हमारे रोहित सर हैं जो कि मतलब सेल्स हेड है पूरा पैन इंडिया पे, है ना। तो ये एक मेरे साथ हैं जो कि कस्टमर जो इनके माइंड में जो जो क्वेश्चंस होते हैं मशीन्स को लेके या इंटीरियर क्लीनिंग किस तरीके से करती है, तो वो सारे क्वेश्चंस सर कस्टमर के बिहाफ पे मेरे से पूछूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से रेक्टिफाई कर सकूं। अभी मैं आपको जैसा कि दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे इस गाड़ी के ऊपर बहुत गंदे गंदे स्पॉट्स पड़े हुए हैं जो कि ऑयली मार्क्स हैं गाड़ी के ऊपर, है ना। अगर आप देखेंगे जैसे ये मेरे जो लेफ्ट साइड की सीट है उसके ऊपर आप स्पॉट देख सकते हैं जो कि क्लियरली विजिबल है। बहुत आप देखेंगे तो काफ़ी गंदा स्पॉट है जो कि जनरली लोगों को क्लीन करने में बहुत मुश्किल होती है। सिमिलरली आप देखेंगे ये मेरी राइट हैंड साइड की सीट है, इसके ऊपर भी अगर आप मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं सीट्स के ऊपर, है ना, जो कि विजिबल स्पॉट्स हैं। अगर मैं बैक सीट पे दिखाऊं तो बैक सीट पे भी आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली मार्क्स और ये सारी चीज़ें। सिमिलरली रूफ के ऊपर देखेंगे, है ना, इसी तरीके से कारपेट। तो ये पूरी गाड़ी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के गंदे गंदे मार्क्स हैं, स्ट्रेंस हैं जो कि हैवी स्ट्रेंस हैं। इसको हम लोग आपको क्लीन करके दिखाएंगे थ्रू आवर मशीन्स जो कि आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है, डबल मोटर एस्ट्रो 250 मशीन। हम लोग डिटर्जेंट स्प्रे कर रहे हैं जो कि आपने देखा कि हमने डिटर्जेंट स्प्रे कर दिया पूरी सीट के ऊपर। ये टूल हमारा अगर आप देखेंगे ये डिटर्जेंट स्प्रे कर चुके हैं हम। अब इस ये इसके अंदर जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा माफ्रा का केमिकल्स है जो कि मैन मशीन का खुद का केमिकल है। और इस केमिकल की खासियत है कि ये कितने भी टफ से टफ स्ट्रेंस हैं उनको साफ कर देता है। प्लस पूरी गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक फ्रेग्रेंस्ड हो जाती है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि जनरली आपने देखा है कि लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहता है, लोग डरे हुए रहते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर मेरी पूरी गाड़ी गीली रहेगी तो पूरी गाड़ी के अंदर गंदी गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। बट ये इतना अच्छा केमिकल है जो कि स्ट्रेंस को तो निकालता ही है, साथ में वो गाड़ी के अंदर एक अच्छी फ्रेग्रेंस को भी छोड़ देता है जो कि जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि डस्ट गाड़ी के अंदर कैसे निकल रहा है। आप यहाँ पे रिजल्ट क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, ये हमारा हाफ पोर्शन क्लीन्ड है और हाफ पोर्शन अनक्लीन्ड है। आप देखेंगे जो यहाँ पे एक स्ट्रेन था, हैवी स्ट्रेन था, वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो ये रिजल्ट्स हैं इस मशीन के। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हार्डली इस सीट को क्लीन करने में हमें 2 मिनट का समय लगा, और 2 मिनट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस सीट के ऊपर जो आपने देखा था जो स्ट्रेंस पड़े हुए थे वो अच्छे से पूरा तरीके से क्लीन हो चुके हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं राइट साइड की आपको सीट दिखाऊंगा तो इस पर अभी भी स्ट्रेंस हैं जो कि मैं अभी आपको एक बार और डेमो में क्लियर करके दिखाऊँगा। ये देखिए ये इस तरीके से मशीन से डिटर्जेंट हम लोग स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद इसी टूल से स्क्रबिंग का भी काम करता है ये टूल, जैसा कि मैंने आपको बोला था, स्क्रब करके और इसको सक्शन कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल टू यूज़ मशीन है, हम बड़े आसानी से इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। कोई मुझे ऐसा नहीं कि मुझे हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है या मैं ट्रेंड प्रोफेशनल हूँ तभी मैं मशीन को यूज़ कर सकता हूँ। हम बहुत आसानी से मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये सक्शन प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रेन मार्क्स था यहाँ पे वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है।
पे कि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रूफ क्लीनिंग की। तो जब हम रूफ क्लीनिंग की जहाँ पे बात आती है, तो होता क्या है कि लोग जनरली जो ये फैब्रिक है, ये बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो साइंस के फैब्रिक होती है, लोग जनरली क्या करते हैं इसके ऊपर डिटर्जेंट स्प्रे करके और इसको हार्ड ब्रश से स्क्रब करना स्टार्ट कर लेते। तो वो करने की वजह से क्या होता है, ये पूरा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, और आपकी आप देखेंगे तो ये पूरी फैब्रिक आपकी डैमेज हो जाती है उस तरीके से। बट जब हम इसको मशीन के थ्रू क्लीन करते हैं तो ये आपकी ना ही ये आपकी पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है, प्लस आपकी फैब्रिक सेफ रहती है ख़राब होने से। मशीन की मदद से बड़ी आसान तरीके से हम इस रूफ को भी क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर डिटर्जेंट पहले स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद सिंपली इसको सक्शन कर लेते हैं। जैसे हमने रूफ को क्लीन किया, सिमिलरली हम मैट को भी आपको क्लीन करके दिखाएंगे कि मैट किस तरीके से क्लीन की जाती है। हर एक स्टेप में सबसे पहले आपको डिटर्जेंट स्प्रे करना है। इवनली डिटर्जेंट स्प्रे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जस्ट सिंपली सक्शन करना है। अगर आपने देखा तो हमने यहाँ पे किसी कोई हार्ड ब्रश का यूज़ नहीं किया है, जो सो जनरली फैब्रिक को ख़राब कर देता है अगर ब्रश बहुत ज़्यादा हार्ड हमने यूज़ कर लिया। तो ये टूल ही हमारा एज ए स्क्रबर काम करता है, और इसी से हम सक्शन कर लेते हैं। सक्शन कर लो बस। जैसा कि हमने देखा ये सब आपने अच्छे से क्लीन करके दिखाया और स्पॉट भी रिमूव हो गए, ठीक है। लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि इसका राइट प्रोसेस क्या होगा। एग्जैक्टली सर, ये अगर हम बात करेंगे राइट प्रोसेस की, तो कस्टमर के माइंड में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये गाड़ी को कितने परसेंट ड्राई कर देती है मशीन, और सेकेंडली इसको करने का सही तरीका क्या है। तो अगर सही तरीके की बात करें तो सबसे पहले हमें, अगर सपोज मैं आगे का पोर्शन कर रहा हूँ तो मैं पीछे की सीट्स पे बैठ के सबसे पहले हम रूफ को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ताकि अगर मैंने सपोज कीजिए, अगर मैंने पहले सीट्स को क्लीन कर दिया तो फिर मुझे जब मैं रूफ करूँगा तो मेरी करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं पूरा बैठ हो जाऊँगा, क्योंकि गीली सीट के ऊपर मैं किस तरीके से मतलब बैठूँगा। तो सबसे पहले हमें रूफ कवर करनी है गाड़ी की। रूफ जो हमने कर दी, वो कवर करने के बाद हमें सीट्स को एडजस्ट करके पूरी हमें कारपेट क्लीन करनी है नीचे की। जब हमने पूरी कारपेट क्लीन कर दी इंक्लूडिंग हमारा बैक हुड, उसके बाद हम लास्ट में जो करते हैं तब हम सीट्स को करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसेस हो पूरा स्मूथली हो जाए। गाड़ी को ये जो हम अपोस्ट्री या ड्राई क्लीन कर रहे हैं, इसको करने में कितना वक्त लगता है? सर देखिए, अगर पूरी गाड़ी को ड्राई क्लीन करेंगे तो हार्डली ये आपको 30 मिनट का समय लगता है मैक्सिमम। अगर मैं थोड़ा सा मैं नया हूँ इस काम को लेके, तो मैक्सिमम मैं 30 मिनट का समय लूँगा पूरी गाड़ी को करने के लिए। अदरवाइज हार्डली 20-25 मिनट्स में पूरी गाड़ी ड्राई क्लीन हो जाती है, जो कि अगर आप नॉर्मली कहीं देखेंगे जो मैनुअल तरीके से करते हैं लोग, उसमें 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हैं केवल गाड़ी को एक ड्राई क्लीन करने में। उसके बाद भी प्लस एक तो उन्होंने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया, उसके बाद भी आपकी गाड़ी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो डिटर्जेंट स्प्रे करके हार्ड ब्रश से जब गाड़ी को स्क्रब करते हैं
तो गाड़ी पूरी की गाड़ी की जो फैब्रिक है वो पूरी डैमेज होने के चांसेस है वहाँ पे। बट जब हम मशीन से उस चीज़ को क्लीन करते हैं तो आपकी फैब्रिक सेफ है, आपके टाइम बहुत कम लग रहा है, प्लस आपकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है गाड़ी को ड्राई क्लीनिंग करने की, है ना। इसकी जो आपकी अपोस्ट्री या जो ड्राई क्लीन करते हैं इसमें आपके जो ये मशीन है एस्ट्रो 250 या एस्ट्रो 125 जो दो मॉडल आते हैं, तो ये आपकी गारंटी करती है क्या कि जो स्पॉट्स और आपकी ये जो इसमें निशान होते हैं वो कम्प्लीटली चले जाते हैं? तो इस चीज़ को मैं वर्बली ना बता के मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा कि मैंने आपको गाड़ी करने से पहले मैंने स्पॉट्स दिखाए थे सीट्स के ऊपर। तो अब अगर आप गाड़ी को देखेंगे, क्योंकि शायद सर आप बीच में नहीं थे, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जरा गाड़ी के ऊपर सीट्स के ऊपर फोकस करके दिखाइए कि जो स्पॉट्स थे गाड़ी के सीट्स के ऊपर, क्या वो स्पॉट्स हैं या बिल्कुल हमने अच्छे से साफ कर दिया उसको। तो आप देखेंगे कि बिना मेहनत में हार्डली 2 मिनट लगे हमें सीट को साफ करने में, और हमने सीट्स पे जो स्पॉट्स आपको इनिशियली दिखाए थे, स्टार्टिंग में दिखाए थे, वो सारे स्पॉट्स खत्म हो चुके हैं सीट्स के ऊपर में। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सीट को टच करेंगे तो ये सीट हमारी 90% ड्राई हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ड्राई कर देगी कि है ना, तो ये यहाँ पे आप टच करके देखेंगे तो आपको 90% सीट को ड्राई कर देती है। तो जैसे ही हमारा एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो आधे घंटे के अंदर हमारी गाड़ी सूख के और रेडी टू यूज है। ये मशीन जो है वो आपके डिटर्जेंट टैंक के साथ आती है? हाँ, अगर छोटी मशीन लेंगे, सिंपल जैसे बोलेंगे 3 से 4 गाड़ियां करनी है पर डे बेसिस पे, तो उसके साथ जो मशीन आती है उसके साथ 8 लीटर का डिटर्जेंट टैंक आता है, और जो डबल मोटर मशीन है उसके साथ में 16 लीटर का डिटर्जेंट टैंक आता है। अब जब एक्चुअली कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब हम टैंक्स की बात करते हैं, क्योंकि कस्टमर एक सिंपल क्वेश्चन करता है कि मशीन की टैंक कैपेसिटी क्या है, तो हम कस्टमर को क्लियर करते हैं कि सर जो सक्शन टैंक है वो 77 लीटर का है डबल मोटर में, 16 लीटर का है आपका डिटर्जेंट टैंक, और जो छोटी मशीन है उसमें 8 लीटर का डिटर्जेंट टैंक है और आपका 37 लीटर का सक्शन टैंक है। मशीन का वेट क्या होगा, क्योंकि मशीन को जब वेट ज़्यादा होता है तो मूव करने में भी? सर मैंने जब आपको स्टार्टिंग में मशीन दिखाई थी तो मैंने आपको डिटर्जेंट टैंक भी आपको उसको मशीन का क्लियर क्लीन करके दिखाया था, तो आप देखेंगे अगर मशीन हैवीली वेटेड होगी तो मेरे लिए मूव करना बहुत मुश्किल में होगी। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मशीन का डबल मोटर का वेट देखेंगे, डबल मोटर एस्ट्रो मशीन का वेट देखेंगे तो हार्डली वो 27 to 28 केजीज के आसपास है, और अगर आप छोटी मशीन का वेट देखेंगे तो वही आपका 18 or 19 केजी की मशीन है। तो हम इजीली मशीन को कैरी कर सकते हैं और कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। इवन लोग कुछ लोग डोर टू डोर सर्विस में भी सिंगल मोटर मशीन का यूज़ कर लेते हैं, जो कि बड़ी हैंडी है, बाइक पे कैरी किया और घर में जैसे सोफा क्लीनिंग है या मैट क्लीनिंग वगैरह सर्विसेज है तो वो बड़ी आसानी से दे देते हैं। कस्टमर को सिर्फ यही मशीन मीन्स हमारा जो एस्ट्रो मैन मशीन का एस्ट्रो 125 या 250 मशीन है, इसी को क्यों लेना चाहिए? सर देखिए, क्यों लेना चाहिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ इस जो हम डबल मोटर के साथ में आपको लार्जेस्ट टैंक कैपेसिटी के साथ में ये मशीन देते हैं वो कोई और कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती। प्लस अगर आप देखेंगे कि मशीन में हमने सेपरेट 2 स्विचेस दे रखे हैं जिससे आप इंडिविजुअली मोटर को 1 by 1 ऑपरेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मशीन के मटेरियल की बात करूं तो ये जनरली मशीन हमारी वर्जिन पॉलीप्रोपीलीन की बनी हुई है, जो मशीन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और आपकी मशीन डैमेज होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। इसके पंप के बारे में बताइए कुछ मुझे। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इस मशीन के अंदर 48 वॉट का पंप है जिसकी अगर फ्लो रेट है वो है 0.8 लीटर पर मिनट। तो आप देखेंगे कि वाटर यूसेज, वाटर कंजप्शन बहुत कम है मशीन की, प्लस और जो फ्लो रेट है वो 0.8 लीटर पर मिनट जैसा ही मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद 2 bar के प्रेशर से डिटर्जेंट डिस्प्रे करती है। अब देखिए, लोग जो मैनुअली सीट को साफ करते हैं उससे क्या होता है, ऊपर ऊपर तो सीट क्लीन हो जाती है बट सूखने के बाद क्या होता है, जब हम इस तरीके से सीट के ऊपर हाथ मारते हैं तो वहाँ से दोबारा डस्ट निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मशीन जब मैनुअली करते हैं तो ऊपर ऊपर से सीट को साफ करती है। बट मशीन के केस में क्या है कि जब हम मशीन से सक्शन करते हैं तो पहले तो 2 bar के प्रेशर से उसने डिटर्जेंट स्प्रे किया तो वो उसका डीप पेनिट्रेट किया डिटर्जेंट ने, फिर जब हम सक्शन करने की बारी आती तो वो डीप सक्शन भी कर लेता है उसको, तो पूरा डस्ट खींच लेता है गाड़ी के नीचे सीट के अंदर से। तो जब हम इस तरीके से उसको अगर ठोक के देखेंगे तो उसमें से 0 dust निकलती है। तो ये बहुत एक मेजर फर्क आ जाता है दोनों के रिजल्ट्स में, जब हम मैनुअली करते हैं और मशीन से करते हैं।
कस्टमर को अगर सपोज ऐसे आज मेरी गाड़ी क्लीन हुई है तो अब पोस्ट्री आज मैंने करा लिया, मेरी पूरी गाड़ी ड्राई क्लीन कर दी इन्होंने, तो इसके बाद दोबारा अगर मुझे ड्राई क्लीन करानी हो तो कब और कितने वक्त के बाद करानी चाहिए? सर देखिए ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि गाड़ी मैंने आज ड्राई क्लीन करा के लेके गया, अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैंने अगर मान लीजिए कल ही मैंने पार्टी वार्टी कर ली गाड़ी के अंदर या इमीडिएटली कुछ गिर गया गाड़ी के अंदर, तो वो तो मेरे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि मुझे नेक्स्ट कब करानी है। एक आखिरी क्वेश्चन सिद्धार्थ की, ये जो हमारी मशीन्स है ये OEM अप्रूव्ड है? हाँ जी सर, हमारे देखिए जितनी मशीन्स अगर आप देखेंगे तो जितने कॉर्पोरेट जॉइंट्स हैं, बड़े बड़े OEMs हैं जो भी है ना, तो वो सारे में हमारी मशीन अप्रूव्ड है, और दिस इज वी हैव क्लियरली मेंशनड इन आवर कैटलॉग्स आल्सो कि ये मशीन OEM अप्रूव्ड है ना। आई थिंक मेरे ख्याल कस्टमर्स को अपने काफी चीजों का सवालों का जवाब मिल गया होगा, जिससे कि वो ये देख पाएंगे कि उनको अगर ड्राई क्लीनिंग या अपहोल्स्ट्री या स्नेक एक्सट्रैक्शन मशीन के लिए जब भी जाना है तो आई थिंक मैन मशीन एस्ट्रो 125 या एस्ट्रो 250 ही लेना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमको इस पे अपने कमेंट्स और लाइक्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर।